हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज, यूनिट नंबर 14, प्लांट्स अराउंड अस, यानी कि हमारे जो आजू बाजू में प्लांट्स होते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इसके डी वर्ड्स। हमारा फर्स्ट डी वर्ड है प्लांट, PLANT, प्लांट मीन्स पौधा। ट्री, TREE, ट्री मीन्स पेड़। श्रब, SHRUB, श्रब मीन्स झाड़िया। हर्ब, HERB, हर्ब मीन्स जड़ी बूटिया। क्लाइंबर्स, CLIMBERS, क्लाइंबर मीन्स पौधे का एक प्रकार जो पेड़ के सहारे बड़ा होता है। क्रीपर्स, CREPERS, क्रीपर्स मीन्स लताओ। ब्रांच, BRANCH, ब्रांच मीन्स डालिया। स्टेम, STEM, स्टेम मीन्स पौधे का जो मूल होता है, जमीन के नीचे बढ़ने वाला एक हिस्सा। रूट, ROOT, रूट यानी कि जड़। सोइल, SOIL, सोइल मीन्स मिट्टी। फाइबर, FIBRES, फाइबर्स मीन्स रेशे। डू यू रिमेम्बर, मैच द इमेज विथ इट्स नेम। पहले है श्रब, तो श्रब किसे कहते हैं, ये छोटे से पौधे को। सेकेंड है हर्ब, तो ये क्या है, तुलसी का पौधा, तो ये है एक जड़ी बूटी, तो ये है हर्ब। थर्ड है ट्री, तो ये है एक मैंगो ट्री, तो इसको हम यहाँ पर मैच करेंगे। प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर, जो प्लांट्स होते हैं हम हर जगह पाए जाते हैं। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, प्लांट आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। जैसे हम ह्यूमंस है और एनिमल्स है, वैसे ही प्लांट एक जीवित चीज है। दे डू नॉट मूव बट दे ग्रो, वो हिल नहीं सकते बट बड़े हो सकते हैं। प्लांट्स नीड एयर, वॉटर एंड सनलाइट टू ग्रो, प्लांट्स को बड़े होने के लिए हवा, पानी और सनलाइट की जरूरत पड़ती है। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हम प्लांट्स के कुछ टाइप्स देखेंगे। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं उसके कई सारे प्रकार होते हैं। सम प्लांट्स आर बिग व्हाइल अदर्स आर स्मॉल, कुछ कुछ प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं और कुछ कुछ छोटे भी होते हैं। ट्रीज, प्लांट्स दैट आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड ट्रीज, जो बहुत ऊंचे और मजबूत प्लांट्स होते हैं उसे कहते हैं ट्री। दे हैव अ थिक वुडी स्टेम कॉल्ड अ ट्रंक, उसका बहुत एक बहुत मोटा सा लकड़ी का स्टेम होता है, बहुत मोटा लकड़ा होता है, उसे कहते हैं ट्रंक। मेनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट लिव इन एंड ऑन ट्रीज, कई सारे एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट यानी कि जीव जंतु इस पेड़ के नीचे और ऊपर भी रहते हैं। अ ट्री लिव्स फॉर मेनी इयर्स, एक ट्री कई सालों तक जिंदा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो ट्रीज, पाम ट्री एक्सेट्रा। श्रब्स, श्रब्स यानी कि झाड़िया। श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज, जो श्रब्स होते हैं वो ट्री से छोटे होते हैं। दे हैव मेनी ब्रांचेस, उसमें कई सारी डालियां होती है। दीज ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड यानी कि जो जमीन वाला नीचे का हिस्सा, उसमें नजदीक कई सारी ब्रांचेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, रोज, जैस्मिन एंड कॉटन। हर्ब्स, हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स, जो हर्ब्स होते हैं वे बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं। दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स, स्टेम्स यानी कि मूल, उसमें बहुत छोटे और सॉफ्ट मूल होते हैं। सम हर्ब्स आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिंस, कई सारे हर्ब्स होते हैं वो दवाइयों में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिंट एंड तुलसी, जो फुदीने के पत्ते और तुलसी के पत्ते होते हैं वो हम दवाइयों की तरह भी यूज करते हैं। क्लाइंबर्स, सम प्लांट्स हैव अ वीक स्टेम, कुछ कुछ प्लांट्स का जो नीचे का मूल होता है वो बहुत वीक होता है। दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट एंड नीड सपोर्ट टू स्टैंड,
और वो पतला मूल होने के कारण वो बहुत स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते, नीड सपोर्ट टू स्टैंड, और उसको एक सपोर्ट सहारे की जरूरत पड़ती है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, और ऐसे प्लांट्स को क्लाइंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीज, मनी प्लांट एंड ग्रेपवाइन। क्रीपर्स, सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड बिकॉज ऑफ देयर वीक स्टेम। कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं उसके स्टेम यानी कि मूल बहुत वीक होते हैं, वो जमीन के सहारे ही नीचे ही बड़े होते हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, उसको क्रीपर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉटरमेलन एंड पम्पकिन, वो जमीन के ऊपर ही बड़े होते हैं। टाइम टू आंसर, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है नीड सपोर्ट टू ग्रो, बड़े होने में किसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, उसका आंसर है बी क्लाइंबर्स। सेकेंड हैव अ थिक वुडी स्टेम, इसमें बहुत मोटा लकड़े वाला स्टेम होता है, उसका आंसर है डी ट्रीज। थर्ड हैव अ सॉफ्ट स्टेम, इसमें बहुत सॉफ्ट स्टेम होता है, तो उसका आंसर है ए हर्ब्स। फोर्थ हैव मैनी ब्रांचेस, उसमें बहुत सारी डालियां होती है, तो उसका आंसर है सी श्रब्स। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, जो प्लांट्स होते हैं उसके पार्ट्स हम देखेंगे। अ प्लांट हैज मैनी पार्ट्स, सम ऑफ देम आर, प्लांट में कई सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम नीचे देखेंगे। पहला है रूट्स, दे हेल्प टू कीप द प्लांट फिक्स्ड इन द सोइल। जो रूट्स होता है वो सोइल यानी कि मिट्टी में प्लांट को फिक्स करने में हेल्प करता है। दे ऑल्सो टेक फूड एंड वॉटर फ्रॉम द सोइल फॉर द प्लांट्स, और जो रूट्स होता है वो मिट्टी में से प्लांट को खाना पहुंचाता है और पानी भी पहुंचाता है। स्टेम, इट सपोर्ट्स द प्लांट, जो स्टेम होता है वो प्लांट को सपोर्ट करता है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट, जो स्टेम होता है वो प्लांट का थिकेस्ट यानी कि मोटा और स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि मजबूत पार्ट होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू टेक फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल द अदर्स पार्ट, और जो स्टेम होता है वो प्लांट के जो पत्ते होते हैं उस तक खाना पहुंचाने का काम भी करता है। लीव्स, दे मेक फूड फॉर द प्लांट यूजिंग सनलाइट, जो लीव्स होते हैं वो सनलाइट का यूज करके प्लांट के लिए खाना बनाते हैं। लीव्स आर ग्रीन इन कलर, जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, जो पत्ते होते हैं वो अलग अलग शेप और साइजेस के होते हैं। फ्लावर, इट इज द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट, जो फ्लावर होते हैं वो प्लांट का सबसे कलरफुल पार्ट होते हैं। फ्रूट्स, सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, कुछ कुछ फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट्स में बदल जाते हैं, फ्लावर बड़े होकर फ्रूट बन जाते हैं। फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, और फ्रूट्स के अंदर सीड्स यानी कि उसके बीज होते हैं। द सीड्स कैन बी वन टू और मेनी इन नंबर डिपेंडिंग ऑन द फ्रूट, और वो बीज कुछ में एक होता है, दो होता है, और कई कई फ्रूट्स में तो बहुत सारे बीज होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइम टू आंसर, गेस इज हु एम आई, मुझे पहचानिए। फर्स्ट आई कीप द प्लांट फिक्स्ड टू द ग्राउंड, मैं जमीन के अंदर प्लांट को फिक्स करता हूं, तो वो कौन है, रूट्स। सेकेंड आई एम द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, मैं प्लांट का सबसे कलरफुल पार्ट हूं, तो वो कौन है, फ्लावर्स। थर्ड आई हैव सीड्स इनसाइड मी, मेरे अंदर बीज होते हैं, तो किसके अंदर बीज होते हैं, फ्रूट के अंदर। फोर्थ आई मेक फूड फॉर द प्लांट, मैं प्लांट के लिए खाना बनाता हूं, तो खाना किस में बनता है, लीव्स के अंदर।